हेलो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं फ्लेमिंगो का द रैट ट्रैप। दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक रैट ट्रैपर की, जो कि पुअर था, होमलेस था और वो बिल्कुल अकेला था। पैसे कमाने के लिए वो रैट ट्रैप बनाकर बेचा करता था और कुछ छोटी मोटी चोरियां भी कर लिया करता था। एक दिन वो सोचता है कि ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप ही है, जो कि पैसों का लालच देकर लोगों को अपने अंदर फंसा लेती है। उसी शाम वो खाना और शेल्टर ढूंढने के लिए एक सुनसान सड़क पर भटक रहा था, तभी उसे एक झोपड़ी नज़र आती है। वो झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाता है। झोपड़ी का दरवाज़ा एक ओल्ड मैन खोलता है। वो उसे वहाँ रात रुकने की परमिशन दे देता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं, सिगार पीते हैं और रात को सोने के वक्त तक मियोलिस नाम का एक कार्ड्स का गेम खेलते हैं। बातों ही बातों में ओल्ड मैन रेड ट्रैपर को बताता है कि वो रामस जो आयरन वर्क्स नाम की एक फैक्ट्री में काम किया करता था, अब उसकी उम्र हो चुकी है तो उसने वहाँ काम करना बंद कर दिया। अब उसने एक गाय खरीद ली है और वो उस गाय का दूध बेचकर गुजारा करता है। बातों ही बातों में वो ये भी बता देता है कि उसने रिसेंटली 30 क्रोनर का पेमेंट रिसीव किया है, जो कि विंडो के पास टंगी एक पाउच में रखा हुआ है। अगले दिन सुबह दोनों साथ में झोपड़ी से निकलते हैं। ओल्ड मैन दूध बेचने के लिए शहर की तरफ चल देता है, रेड ट्रैपर भी अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। 30 मिनट बाद रेड ट्रैपर झोपड़ी के पास आता है और विंडो का कांच फोड़कर विंडो के पास टंगे पाउच से पैसे चुरा लेता है। पैसे चुरा कर रेड ट्रैपर बहुत खुश होता है। पुलिस से बचने के लिए अब वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ जाता है। शाम तक वो जंगल में खो जाता है और अब उसे रियलाइज होता है कि वो उसी रेड ट्रैप में फंस चुका है जिस रेड ट्रैप के बारे में वो कल सोच रहा था। वो सोचता है कि उसे अब सही रास्ता नहीं मिलेगा और उसे रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तभी उसे कहीं से हथौड़े की आवाज़ आने लगती है। वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है। वो आवाज़ एक आयरन फैक्ट्री से आ रही थी। फैक्ट्री में 2 मजदूर काम कर रहे थे। रेड ट्रैपर फैक्ट्री की तरफ जाता है और फर्नांस के पास जाकर खड़ा हो जाता है। विंटर्स में अक्सर गरीब लोग फर्नांस के पास आकर खड़े हो जाते थे ताकि उन्हें गर्मी मिल सके, तो वो मजदूर रेड ट्रैपर को इग्नोर करते हैं। तभी वहाँ फैक्ट्री का मालिक आ जाता है। रेड ट्रैपर की शक्ल फैक्ट्री के मालिक के एक दोस्त से मिलती जुलती थी, तो फैक्ट्री के मालिक को लगता है कि ये उसी का दोस्त है। फैक्ट्री का मालिक उसे अपने साथ अपने घर चलने को कहता है, लेकिन रेड ट्रैपर उसे मना कर देता है। फैक्ट्री का मालिक उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार रेड ट्रैपर उसे मना कर देता। थोड़ी देर बाद फैक्ट्री का मालिक वहाँ से चला जाता है। फैक्ट्री के मालिक के वहाँ से जाने के बाद उसकी बेटी एडला वहाँ आती है। अब वो रेड ट्रैपर को मनाने की कोशिश करती है। रेड ट्रैपर उसे मना नहीं कर पाता और वो उसके साथ घर जाने को राज़ी हो जाता है। फैक्ट्री का मालिक और एडला उसे अपने साथ घर ले जाते हैं, उसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं और अच्छा खाना देते हैं। अगले दिन फैक्ट्री के मालिक को पता चल जाता है कि ये उसका दोस्त नहीं है, तो वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। वो दिन क्रिसमस का दिन था और एडला ने रेड ट्रैपर से प्रॉमिस किया था कि वो लोग साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, तो एडला फैक्ट्री के मालिक से कहती है कि उसे एक दिन के लिए वहाँ रुकने दिया जाए। फैक्ट्री का मालिक एडला की बात मान लेता है और वो लोग रेड ट्रैपर के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन सुबह फैक्ट्री का मालिक और एडला दोनों चर्च जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि रेड ट्रैपर ने ओल्ड मैन के 30 क्रोनर चुराए हैं। जब वो लोग घर वापस आते हैं तो उन्हें रेड ट्रैपर नहीं मिलता। वो लोग नौकर से पूछते हैं कि रेड ट्रैपर कहाँ गया, तो नौकर बताता है कि रेड ट्रैपर कहीं चला गया है और वो एडला के लिए एक बक्सा छोड़ गया है। जब एडला वो बॉक्स खोलती है तो खुशी के मारे एडला की चीख निकल जाती है। बॉक्स में एक रेड ट्रैप थी, 30 क्रोनर थे और एक लेटर था। लेटर में रेड ट्रैपर ने लिखा था कि उसके प्रति इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए धन्यवाद, और उसने एक विनती की थी कि ये पैसे उस ओल्ड मैन को वापस लौटा दिए जाए। दोस्तों, एट लास्ट ये स्टोरी हमें यही बताती है कि किसी के प्रति अगर हम अच्छा व्यवहार करें तो हम उसके नेचर को बदल सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।
दोस्तों ये है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।